हाँ जी भाई, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हरसिमरन ब्लॉग्स। होप सो भाई सारे ठीक होंगे ते सब आप घर राज खुशी होंगे। ते भाई अज आप थोड़े लिए लैके आए एक आप अपडेट। अज अपना भाई अपडेट हैगा गा टायर दे रिलेटेड। आप जोड़े टायर अपडेट किए ने गे। टायर की विड़थ देखो, पहला अपनों जॉन्डियर के अपना जो आप टायर चेंज करने 53 दस दे किसी के भी किसी होर मॉडल के 52 दस दे किसी होर के भी तो अपन रिमबी नाल चेंज करना पैंता सीगा। अपन 16 इंच रिम लेना पैंता सीगा। ए वाले टायर एज इट इज़ उ 20 इंची रिम च फिट हुए हुए ने गे। तो टायर की लुक पूरी वधिया हैगी, टायर पूरा चौड़ा गा। तो पहला अपन बहुत आप टायर देखते सीगे कंटीन्यूस लाइन वाले या टी गुड्डी वाले कि जिद लिए अपन रिम चेंज करना पैंता सीगा। उहदे लई अपन 16 इंच का रिम लैके पाउणा पैंदा सीगा। बट हुण आपां रिम चेंज करन दी कोई लोड़ नहीं गी। अलायंस ते बीकेडी कंपनी का आपां कोई मर्जी टायर लै लो, जे अपने थोड़े एरिया डीलर हैगा वधिया तो उहदे ऑर्डर ते जो साइज़ तुहानूं चाहीदा गा 16 इंच दे विच जां 20 इंच दे विच कोई भी साइज़ आपां मंगवा सकदे हांगे। वी कोई दिक्कत दी गल नहीं गी, वी सब साइज़ अवेलेबल ने गे। जिहे साइज़ अपन रिक्वायरमेंट हैगी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बी के डी के अलायंस इन्हां दे बहुत मॉडल ने बई, तो तकरीबन तुसीं आए मान लो भी जो भी अपने टायर की इच्छा हैगी जे आप इन्नी ऊंचाई चौड़ा लेना वह भी मिल जूगा, एदू पतला लेना वह भी मिल जूगा, एदू घट हाइट वाला लेना गा लो प्रोफाइल लेना वह भी मिल जूगा। बहुत तरह की वरायटी अवेलेबल हैगी। आए मान लो भी बई हरेक नंबर के टायर मिलते हैं हुण ये दो कंपनी बहुत ज़्यादा वरायटी हैगी। तो बाकी अगर दुकानदार को टायर नहीं है मौके पर तो अपन मंगा के भी दे देंगे ने। अगर अपना दुकानदार कोई अपने वे कोऑपरेट करता गा ऑन ऑर्डर तो ये अपन रिम चेंज करने अपन कोई लोड़ नहीं पी। उ रिम है 20 इंच वाला, थोड़ा मैं डिफरेंस दिखा दिना गा भी जो सिंपल अपने 650 टायर आता गा भी वह कितना चौड़ा होंगे गा। तो 750 पहले सुनो नंबर चेक करा था TR 8181 मॉडल है गा। तो 750 का टायर साइज है गा BKD कंपनी का। वैसे ये टायर सेम बिल्कुल अलायंस की भी अवेलेबल आ, बिल्कुल डिटो कॉपी। बट जो सा डीलर सीगा जितों टायर असं पाने रहने ज़्यादातर तो वो ज़्यादा BKD का डील करते हैं। वो कहते भी ईजली आ जूगा, अगर ती अलायंस मंगा गा तो वो थोड़ी वेट करनी पेगी। तो अपन BKD लाइन इको जी सके क्योंकि आप टायर पिछले जो आप कहीं पवाए तो वह भी आप BKD रेडियल ही पावे या फिर अलायंस रेडियल देख के पावे। तकरीबन अजे टायर बहुत पैने गए, अजे रुक के बदला देंगे सीजन तो बाद बदला देंगे। बाकी हूँ थोड़ा मैं नाल कंपेयर भी कर देना गा। आ देखो बई आ तो है 650 चढ़ाई BKD की, उदू बाद आ गई बई ये आ गई 750 की, इन्ना फर्क आ। जे आप 650 टायर पाने सिंपल जो वैसे टायर आते हैं गे जो पहला अपन अवेलेबल होंगे हरेक कंपनी 650 का, तो वह टायर सिर्फ इन्ना चौड़ा गा। तो ये वाला थोड़े सामने है 750 का ज्यादा चौड़ा टायर आ गया है। बाकी हाइट भी ये तो हाइट की बहुत फर्क, हाइट का देख सकते हो गे। इन्ना फर्क है भाई हाइट का, इन्ना उच्चा गा देखो। बाकी भाई परसनली थोड़ा मैं एक रेकमेंड करूँगा, अगर तुम BKD टायर पवा रहे हो तो कमांडर जाने की बजाय और कोई भी टायर पवा लो। बस कमांडर थोड़ा जहा टायर हार्ड वाला गा, काड़ा होने करके ट्रैक्टर तो बुड़कता बहुत ज़्यादा गा। जिम्मे वाला TR मॉडल है थोड़ा टायर वाला पुल हैगा, लचकल टायर है वधिया गा। जो इधरला कमांडर टायर है अपने ये 50-38 पाए हुए नेगे, ये टायर बड़ा हार्ड टायर है, मतलब बंदे फील हों भी ट्रैक्टर थोड़ा ज़्यादा बुड़क रहा है। मैनू तो पता क्योंकि ये नाल पहला गुडियर टायर सके जो कंपनी वालों नाल टायर आए हुए थे, तो उन्होंने ना ये
नॉर्मल जिन्ना अपना आमरेटर कोई बुड़कता होंदा गा या कोई निक्का मोटा सर्किट टोआ होंदा गा तो वो टायर शॉक कर देंदे, टायर अबजॉर्ब कर देंदे सीगा, टोआ निक्का मोटा पतन लगता सीगा। पर ए टोए एवल टायर दे कमांडर बी किडी दे टोए दा भाई एज इट इज पता लगता गा, मैं लगता है बहुत घट्ट शॉक नूं अबजॉर्ब कर, मैं लगता है बहुत घट्ट भाई शॉक नूं अबजॉर्ब करता गा, बहुत ही ज़्यादा घट्ट ये मुकाबले होर टायर हो गए इदू सॉफ्ट ने गे कंफर्ट च वधिया ने गे। टायर पिछे वाले भी आई ने गे कसाई तां बहुत ज़्यादा घट्ट हैगी जिवें ट्रैक्टर नूं काफ़ी चल गया तो हजे इन्हां तो प्रो टायरों पर बी किडी का आ भी नहीं मिटिया। चल ट्रैक्टर चलता ट्रैक्टर अपना बहुत ज़्यादा है, यह काफ़ी चलता गा कसाई तां नो डाउट कसाई तां की बहुत ही घट्ट हैगी। आ टायरों अपने तकरीबन मान लो आ टायर भी अपने भाई 2000 रुपये बीच पवाए थे तो उस तो बाद ट्रैक्टर तुरै फिर चलिया बहुत, पर टायर हजे भी एस डी जूम ही पे ने गए, मतलब कि कुल मिला कह लो भी कसाई तेने बहुत घट्ट हैगी पर टायर हार्ड बहुत ज़्यादा गा। जो आप कंफर्ट चाहिए ये तो अपन टायर तो अपन कंफर्ट बिल्कुल नहीं मिलता बी के डी कमांडर तो, बाकी टायर बी के डी सब वैल ने फिट एंड फाइन ने गे पर यह टायर बहुत हार्ड हैगा। परसनली मैं टायर बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये पाउन तो भाई मैं घरों गया रेडियल बट उत्थे मौके पर रेडियल अवेलेबल नहीं सीगा तो थोड़ा उदो कम ज़्यादा होने करके काली सी भी टायर अज ही पवा लिया टायर, तो मैं सोचा भी किडी कोई पवा दें फिर घस दू फिर बदला लाने चलो दो तीन सालों उदो तक करके पवाता, नहीं मेरा पक्का मन से भी अच्छ रेडियल ही पवा के लियाऊंगा। बाकी उदो मौके पर रेडियल टायर अवेलेबल नहीं सके, आने चुना हफ्ता लगना सीगा कोई ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत सी उत्थे काफ़ी अपने एरिए टायर आ नहीं रहा उदो 1328 तो करके फिर आप पवा लिया उदो मुड़ के चली गया, बट उदा टायर मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया बिल्कुल फिट नहीं हुआ है। सो ये भाई अपना अच्छा अपडेट टायर में लैके भी अपन हूँ रिम जो आप स्पैशल चौड़े टायर वास्ते रिम बदल देंगे हूँ अपन रिम बदलने की कोई लोड़ नहीं गी भी उ रिम च चौड़ा साइज मिलने लग गया हूँ पवा सकते हैं। अगर कोई कंटिन्यू लाइन चाहता गा तीन लाइन कंटिन्यूज वह भी मिल सकता गा, थोड़ा मैंने परसनली आंटी वाला पसंद सगा तो मेरे वाले मंगा लिया दो कंटिन्यूज साइड आंटी आ गए, बाकी आप पसंद है कि आप तीन वाले मंगा सकते हैं स्ट्रेट वाला, इस तो डायरेक्ट व्डा भी आता गा 8 नंबर वह भी पवा सकते हैं गे, मैं वो ता नहीं पवाया क्योंकि फिर ट्रैक्टर ना ज़्यादा फिर मूहों उच्चा ज़्यादा हो जाता गा, हूँ ट्रैक्टर जमें नॉर्मल आ गया 19 की फर्क पै गया वो भी जो टायर पिछले नवे पै गए कद रेडियल पवाए तो बराबर होजूगा बिल्कुल सीधा लाइन च होजूगा। हूँ जो आप देखिए ट्रैक्टर हल्का जहा हल्का मूहों उच्चा लगता गा, बाकी भाई चैनल करो सबसक्राइब आप अगे होर भी ट्रैक्टर आप हूँ सोचा भी निके मोटे मॉडिफिकेशन करिए करते रहेंगे तो हम टायर पाते फिर पिछले पा देंगे तो कनोपी वगैरह ला देंगे तो हौली हौली करा सैटिंग घर आप भी करा तो चैनल कर लियो भाई सबसक्राइब वीडियो कर दो लाइक तो कमेंट करो होर सो किस चीज़ की वीडियो चाहिए है किस रिलेटेड किस चीज़ के, तो भाई चैनल भाई अपने शेयर करो तो सूँ कंटेंट वधिया लग्या तो बैल आइकन दब लियो भाई ताकि अपनी सूँ नवी वीडियो का सूँ अपडेट मिल जाए करे पेज पर नवी वीडियो पाती।